में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो आईडी ओपन की है, ये यहाँ पर स्काईवे RSW की आईडी ओपन। फ्रेंड्स, जो भी जहाँ भी प्रोजेक्ट लग रहा है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तो उसकी सारी न्यूज यहाँ पर आती रहती है। तो उसके लिए आप ये, जैसे काफी लोग फोन करते हैं कि सर कोई न्यूज नहीं आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सारी न्यूज देखिए। 22/9/2022, 19/9/2022, ठीक है, 16/16/12/9, ठीक है। तो जो भी कार्गो का यहाँ पर देखिए, हाउ कैन स्टिंग टेक्नोलॉजी चेंज दी मार्केट टाइम शिपिंग। तो जो समुद्र में किस तरह से शिपिंग होती है, वहाँ पर समुद्र में जो जहाज होते हैं वो पहले किनारे रोके जाते हैं, फिर वहाँ से जो भी मटेरियल है वो उतारा जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्टली वहाँ पर पहले माल को नीचे उतारा जाता है, फिर वहाँ से अपलोड किया जाता है, ट्रकों पर लोड किया जाता है, लोड सॉरी लोड किया जाता है, फिर वहां से जहां भी जाना होता है पहुंचाया जाता है। इसके बाद जैसे यहाँ पर जो स्काईवे ट्रेन होती है, तो स्काईवे ट्रेन समुद्र के अंदर तक उसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, अंदर तक बना सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए स्काईवे ट्रेन का ये जो रैक ट्रैक है, ठीक है, तो वहां तक यहाँ पर ये सावधानी और ये अच्छा रहेगा, इजी रहेगा कि समुद्र जैसे अगर पानी नहीं है, काफी दूर तक पानी अगर नहीं है, तो जो बड़े बड़े शिप्स हैं वो किनारे तक नहीं आ सकते हैं, बड़े बड़े जो जहाज हैं वो किनारे तक नहीं आ सकते हैं। तो उसके लिए जो बीच में रोक कर और ये ट्रैक काफी अंदर तक बनाकर गहराई तक, तो ये ट्रक ये जो शिप है वहीं पर रोक कर और उसको अनलोड कर लेंगे अपने जो डायरेक्टली जो ट्रेन है स्काईवे ट्रेन उस पर, और इसको जो भी कंट्री में है, जो भी जगह पर इसको भेजा जाएगा वहां पर आसानी से भेज सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर और भी जो न्यूज है, जो इंडिया से कुछ गेस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, अभी जो दौरा किया था वहां पर गए हुए थे, उन्होंने सब कुछ विजिट किया यहाँ पर, मिशन विजन के बारे में बताया, इंडिया में जो वर्क चल रहा है जो भी, ठीक है, तो हाइड्रोटेक प्रोजेक्ट लग रहा है, ग्रीन प्रोजेक्ट है कंपनी केरला, इंडिया में केरला में, तो वहां पर बात चल रही है स्काईवे ट्रेन की। अगर वहां पर लगता है या फिर इंडिया में कहीं भी लगता है, लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा कि कहाँ पर, देखिए अगर इंडिया में लगता भी नहीं है तो भी अगर इसका शेयर है जब जब भी लिस्ट होगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। फिलहाल तो इसमें वर्क चल रहा है, इसलिए आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। जो कह रहे हैं कि पैसा मेरा बचा है कि डूब गया है, तो और भी प्रोजेक्ट आप करते हैं, तरह तरह के प्रोजेक्ट आते हैं, पर डे जाने कितने लोग हमको मैसेज करते हैं, प्रोजेक्ट भेजते हैं। 2021 में पहले मैंने जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए थे, ऐसे अगर सभी प्रोजेक्ट में पैसे लगाऊं तो जाने कितने आदेश ज्यादा, मतलब 80% तो मेरा जो पैसा है वो डूब ही जाए, ठीक है, मैं नहीं लगाता हूँ। और अभी जो मैसेज वो चेक करता हूँ, वो साइट जब चेक करता हूँ तो नॉट फाउंड नॉट रीच ऐसा बताता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट। तो ऐसी जगह प्रोजेक्ट, ऐसे ऐसी जगह पैसे लगाइए ताकि डूबे ना, कम से कम इतना ज्यादा भी मत लगाइए कि आपके पास जो भी हो वो सब लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिशन ऑफ यू स्काई ट्रांसपोर्ट स्टेब्लिश्ड बाई डॉक्टर एनाटोली यूनिस्की आल्सो मेट्स द ग्लोबल ट्रेंड स्विचिंग दी। तो जो भी लोग वहां पर जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया से ही लोग जाते हैं, अदर कंट्री से भी लोग वहां पर प्रोजेक्ट को देखने जाते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है, अगर सब कुछ अच्छा होता है तो प्रोजेक्ट पास होता है तो वहां पर लगेगा, ठीक है। और भी जो जहाँ भी चल रहा है, तो अगर यहाँ लग जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल ऑफ इंडिया इन ए सस्टेनेबल मैनर। तो वहां पर देखिए ये फोटो आप देख सकते हैं, जो ये इंडिया के गेस्ट। इसके बाद में यहाँ पर जो पैसेंजर ऑफ बिटवीन सिटीज एंड सब, तो वहाँ पर जो जहाँ पर प्रोजेक्ट लग रहा है वहाँ से अगर कोई माल इधर उधर करना है, तो वहाँ पर जो सड़कें हैं, कभी कहीं कहीं पर ऐसी जगह नदियाँ पर्वत ऐसे पड़ जाते हैं, वहाँ पर सड़कें बनाना, डेवलपमेंट करना, या ट्रेन जो ट्रेन अभी है साधारण ट्रेन इसको बिछाना, बहुत ही ये नॉर्मल तो है नहीं, या पहाड़ों को काटा जाए तब इसको बिछा सकते हैं, नदियों में पुल बनाए जाते
जा सकते हैं, जाए तो इसको बिछा सकते हैं। लेकिन जो स्काईवे ट्रेन है ये हल्का है, भारी भरकम नहीं है, इसको आसानी से डेवलपमेंट कर सकते हैं और आसानी से कोई भी मटेरियल है उसको थोड़ा थोड़ा करके ले जा सकते हैं आसानी से, ठीक है, बहुत ही स्पीड से ले जा सकते हैं, बहुत ही जल्दी, ठीक है, और बिना किसी, यहाँ कोई भी खतरा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने दौरा किया, वहाँ की जो यू स्काई जो ऑफिस है विजिट किया, वहाँ पर जो गार्डन वगैरह होते हैं वहाँ पर विजिट किया, सब कुछ वहाँ पर देखा। तो यहाँ पर अलग अलग पिक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। उन्होंने वहाँ के प्रेजेंटेशन को दिया देखा, ये जैसे यहाँ पर मैं चला रहा हूँ, यहाँ जो प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन वहाँ पर देगा। ये प्रेजेंटेशन आपने पहले भी देखा होगा और ये रियल है, ये जो काफी है इसमें, ये अभी रियल है, ये जो दिख रहा है ये रियल वीडियो है वहाँ का, ठीक है। अभी और भी वीडियो आप देखेंगे, ये जैसे ये रियल नहीं है, ये ग्राफिक्स वीडियो है, ठीक है। और भी यहाँ पर ऐसे वीडियो है जो रियल नहीं, ये ग्राफिक्स वीडियो है। आप इसको अपनी आईडी पर देख सकते हैं, ये ट्रैक इस तरह का ट्रैक होगा, तरह का वहां पर बना हुआ है, तो इसमें सबसे अच्छा ये है कि जैसे ट्रेन है अगर नीचे चलती है, ट्रेन का जो ट्रैक बिछाएगा तो इतनी जगह किसी काम की नहीं है, लेकिन यहाँ पर नीचे खेती बाड़ी या जो पौधे रोपण कर सकते हैं, सब्जी वगैरह लगा सकते हैं, आप वहाँ पर उगा सकते हैं या फिर विजिटिंग प्लेस बना सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग देख सकते हैं, और यहाँ पर देखने के लिए तो बहुत कुछ है, आप अगर यहाँ पर न्यू सेक्शन में जाएंगे उसे चेक करेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा ये ना समझे कि यहाँ पर कुछ भी हो नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पर ये सब विजिट किया उन्होंने, गार्डन यहाँ पर देखा, यूएई एंड कतार सेक्टर, और इसके बाद में और भी यहाँ पर फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, ओके। तो यदि आपने अभी तक यहाँ पर विजिट नहीं किया, जैसे आपने अगर शेयर परचेज नहीं किया है तो अभी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट में लगाते हैं और वहाँ पर टीम भी बनाते हैं, आप इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर, देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि मिल ही जाए, हम एक आशा करते हैं कि नहीं, हो सकता है अगर डेवलपमेंट अच्छा हो गया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो अभी नहीं कुछ दिन बाद मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, इतना ज्यादा ना लगाए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट एम्बलम के प्लान आते हैं जिसमें आप पैसे लगाते हैं, टीम भी बनाते हैं, लेकिन वहां पर टीम, पैसे, समय, सब कुछ बेकार जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है और वो प्रोजेक्ट चल नहीं पाता, और उसमें एम्बलम प्लान होते हैं जिनका कोई प्रोजेक्ट प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है, वो मनी रोटेशन करते हैं, ऐसे सारे प्लान बंद हो जाते हैं, 6-7 महीने ही चलते हैं, ज्यादा नहीं चलते हैं। जैसे कि अभी एक और चल रहा है बीटीसी बैंक करके, ठीक है, सिर्फ नाम है इसका, ऐसा नहीं है कि बैंक तरीके से काम करता है, हम बैंक में जैसे भी पैसे जमा करते हैं फिर इंटरेस्ट आपको मिलता है, वैसा कुछ नहीं है, 1500 रुपए देकर आप कोई 8 करोड़ या 15 करोड़ कोई नहीं दे सकता है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। कुछ ही दिन बाकी है बस ये प्रोजेक्ट, ये जो प्लान अभी बताया बंद होने वाला है, इसलिए कुछ अच्छा प्रोजेक्ट है, या फिर भले ही आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करें, कुछ दिन बाद उसका इन्वेस्टमेंट जैसे करेंगे कुछ दिन बाद अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जैसे अभी अभी आप जैसे बिटकॉइन का रेट काफी डाउन चल रहा है, अभी जैसे ही रेट ये अप होगा तो कम से कम $1,00,000 के भी पार जा सकता है, लेकिन वहां जब जाए टॉपर तो उसे सेल कर देना, कोई भी क्रिप्टो करेंसी यदि ली है तो सेल कर देना है, और जैसे ही बिल्कुल वहां से सेल कर देना, वहां से आउट हो जाना, इसके बाद में फिर से जब निगेटिव न्यूज जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं कि, देखिए गवर्नमेंट सेक्टर से भी लोग यहाँ पर निवेश करते हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी लोग निवेश करते हैं, आपके पास ज्यादा पैसा होता नहीं, अपने मिडिल क्लास फैमिली से है, ठीक है, प्राइवेट जॉब करते हैं, जो लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं, सरकारी जॉब करते हैं, उनको तो पैसा मिल रहा है मंथली से, मंथली अर्निंग होती है उनकी 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसी उनको पेमेंट मिलती है, वो लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और वो होल्ड करके भी रख लेंगे। अपने पास तो क्या है, निगेटिव न्यूज आई 2-3 साल तक रेट डाउन रहेगा तो अपने पैसों की कमी हो जाएगी, फिर वही डाउन रेट में ही हमको सेल करना पड़ जाता है। इसलिए इतना पैसा ना लगाएं कि डाउन मार्केट गई है तो वहां पर सेल करना पड़ जाए तो फिर दिक्कत हो, ठीक है। उतना ही पैसा लगाएं जितना हजम हो जाए, मतलब डाउन मार्केट में भी आपको सेल करने की जरूरत ना पड़े, तब आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ऐसा नहीं कि जब मार्केट अप जाती है तब आप खरीद लेते हैं, डाउन जाए तो आप सेल कर देते हैं। डाउन इसीलिए जाती है कि वहां से निगेटिव न्यूज आती है। निगेटिव जो न्यूज है वो लोगों के द्वारा ही फैलाई जाती है जिनके पास जो खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हाई जब जाएगा तब तो खरीद नहीं पाएंगे। अपने लोग समझते हैं कि अभी तो और भी हाई जाएगा, खरीद लेते हैं। ओके, तो यही सब बातें हैं जो पुराने लोग हैं समझते हैं, जो नए लोग हैं वो आगे फंस जाते हैं ऐसा उनको लगता है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोड़ के चले भी जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स, समझ में आया तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू इन्वेस्टर।